हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल नेहाज आयुर्वेदिक टिप्स पर आपका स्वागत है। ध्यान रखने योग्य कुछ जरूरी बातें और घरेलू उपाय। नंबर एक, सलगम खाने से भूख बढ़ती है और सूखी खांसी में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नंबर दो, रोजाना सोने से पहले जैतून तेल के 2 बूंद 1 गिलास दूध में मिलाकर पीने से बवासीर से छुटकारा मिलता है। नंबर तीन, हाजमा ठीक रखने के लिए खाने के बाद ताजा अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लें। नंबर चार, चुकंदर के पत्तों को उबालकर उसके पानी से सिर धोने से सर की खुश्की खत्म हो जाती है। नंबर पाँच, रात को कम खाने से मोटापा कम होता है। नंबर छः, अदरक को घी में तल कर खाने से बलगम ठीक होती है और ये दमे से भी बचाता है। नंबर सात, पानी कम पीने के कारण दिमाग की नसों में खून के थक्के जमने लगते हैं। इसके कारण दिमाग पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जिससे स्ट्रोक और बेहोशी भी हो सकती है। गर्मी के दिनों में शरीर से पसीना निकलता है, इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी आ जाती है। इसलिए दिन में कम से कम 8 से 9 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए। इससे हमारी 70% की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर आठ, बाजरा कैल्शियम से भरपूर होता है। रोजाना बाजरे की रोटी के सेवन से जोड़ों की समस्या और ऑस्टियोपोरोसिस में बेहद लाभ मिलता है। नंबर 9, 1 गिलास पानी में 8 से 10 नीम के पत्ते उबाल लें। ठंडा होने पर इसे छान लें और इसे 1 बाल्टी पानी में मिलाकर नहाएं। इससे स्किन इन्फेक्शन और सूजन पूरी तरह दूर हो जाएंगे। नंबर 10, हर रोज सुबह शाम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेव का सिरका और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से लीवर की कमजोरी दूर होती है। नंबर 11, दूध को खाने के साथ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है और अगर आप ऐसा करते हैं तो खाना और दूध दोनों ही अच्छे से नहीं पच पाएंगे। इसलिए दूध और खाने में कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। नंबर 12, रोज रात को सोने से पहले बादाम तेल की कुछ बूंदे लेकर उसे चेहरे की हल्की हाथों से मसाज करें। इसे तब तक मसाज करें जब तक तेल त्वचा में ना समा जाए। सुबह चेहरे को धोएं। इससे इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा का कालापन तेजी से दूर करके चेहरे पर नेचुरली ग्लो दिलाने में मदद करता है। नंबर 13, पेट में गैस होने पर शुद्ध हींग पीसकर इसे रुई के फाहे पर रखकर उसे नाभि पर रखें। इससे गैस निकल जाएगी और दर्द ठीक हो जाएगा। नंबर 14, कलौंजी को दही में मिक्स करके बालों पर लगाने से बाल कभी सफेद नहीं होंगे। नंबर 15, त्रिफला चूर्ण को पानी में भिगोकर सुबह छानकर उस पानी से आँखों को धोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। नंबर 16, 1 कप गाजर के रस में 1/4 कप पालक या चौलाई का रस मिलाकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 17, अगर बार बार हिचकी आ रही हो तो 1 छोटी इलायची को मुंह में रखकर चूसें तथा थोड़ी देर बाद चबा लें। ऐसा करने से बार बार हिचकी आना बंद हो जाएगी। नंबर 18, सुबह सुबह उठते ही खाली पेट सेब में नमक लगाकर खाने से सिर दर्द में लाभ होगा। नंबर 19, लहसुन की 1 से 4 कलियों को 1 से 2 ग्राम नमक के साथ पीसकर खाना खाने के साथ खाएं। इससे भी सिर दर्द में
आराम मिलता है। नंबर 20, दालचीनी को पीसकर माथे पर लेप लगाने से सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 21, सर्दी जुकाम के कारण सिर दर्द हो तो साबुत धनिया और मिश्री का काढ़ा बनाकर पीने से आराम मिलेगा। नंबर 22, बादाम की 9 से 10 गिरी रात को पानी में भिगो दें, सुबह खाएं और ऊपर से गाय का दूध पिए, इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी। नंबर 23, अगर धुंधला दिखाई देता है तो संतरे के रस में पीसी हुई काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर सुबह शाम पिए, 3 महीने तक यह प्रयोग करने से फायदा मिलेगा। नंबर 24, चोकर सहित आटे की रोटी या फिर खाना खाने के बाद दूध के साथ 2 बड़े चम्मच इसबगोल लेने से पेट की गैस नहीं बनती है। नंबर 25, 1 चम्मच अजवाइन में 1/4 नींबू का रस मिलाकर खाने से गैस शांत हो जाती है। नंबर 26, यदि आप थोड़े कम पके अमरूद को बीच में से काटकर उस पर नमक लगाकर आग में पकाकर खाते हैं तो इससे पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 27, गर्मी के कारण सिर में दर्द हो जाए तो कद्दू का गूदा निकालकर खूब बारीक काट के माथे पर लेप करें। नंबर 28, हमारे दिमाग में कई ऐसे हिस्से हैं जो बंद पड़े हैं और वह हिस्से तभी खुलते हैं जब हम दिमाग से कसरत करवाते हैं। कहने का मतलब है, आप जितना अधिक सीखते चले जाओगे और जितना अधिक दिमाग का इस्तेमाल करके उससे काम करवाओगे, उतनी ही तेजी से आपकी दिमाग की बंद नसें खुलने शुरू हो जाएंगे और आपका दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए लगातार अपनी फील्ड के बारे में पढ़ते जाएं और नया सीखते जाएं। नंबर 29, खड़े होकर कोई चीज ना खाएं वरना पेट और दिल की बीमारियां हो जाती हैं। नंबर 30, होठों का सूज जाना जल्दी गूदे खराब होने की निशानी होती है। नंबर 31, अगर आपके शरीर में हाथ या पाँव की चमड़ी काली पड़ गई है तो सोने से पहले नींबू का रस लगाओ। नंबर 32, जब पसीना आए तो गर्म पानी पी लिया करो, जिंदगी भर कभी फेफड़े खराब नहीं होंगे। नंबर 33, अगर आपके पेट में गैस बनती हो तो 1/2 चम्मच दालचीनी का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें, गैस बनना बंद हो जाएगी। नंबर 34, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक को छाछ या गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से भी गैस बनना बंद हो जाती है। नंबर 35, कमर दर्द के लिए असरदार घरेलू उपचार, 100 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कपूर डालकर रख दें। जब कपूर अच्छी तरह गल जाए तब इस तेल से हल्के हाथों से कमर पर मालिश करें, कमर दर्द में अत्यंत लाभ मिलेगा। नंबर 36, पान के पत्तों का पेस्ट बनाकर माथे पर लगा लें और सूखने पर धो लें, इससे सिर दर्द से राहत मिलेगी। नंबर 37, मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए धनिया एक वरदान के समान है, इसके सेवन से शरीर में इंसुलिन बढ़ता है और रक्त में ग्लूकोज का स्तर 70% नियंत्रण में रहता है। इसके लिए 1 चम्मच साबुत धनिया को 1 गिलास पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें और सुबह इसे गर्म करके छान लें और खाली पेट इसका प्रयोग करें, बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही इनकी चटनी बनाकर खाने से नींद अच्छी आती है। नंबर 38, नींबू के रस में 1 चुटकी काला नमक, पीसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च और पीसा हुआ थोड़ा सा जीरा मिलाकर बूंद बूंद रस का इस्तेमाल करें,
इससे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। नंबर 39, दांतों में ठंडा गरम लगने की दिक्कत है तो हल्के गरम पानी में लगभग 2 चम्मच नमक मिला लें और फिर इस पानी से सुबह को तथा रात को सोने से पहले कुल्ला करें, बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप मेरे नए वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।